अलवर न्यूज के रिपोर्टर कौशल शर्मा के अनुसार कादरी जामा मस्जिद दाऊदपुर में 5 लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा की। मस्जिद के मौलाना महरूम ने अलवर न्यूज को बताया कि कोरोना वैश्विक महामारी होने की वजह से लोगों ने घर पर ही ईद मनाकर नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ की। विश्वव्यापी महामारी ने इस बार भी ना ही कोई त्यौहार मनने दिया है, ना ही ईद मनने दी है, ना ही दिवाली मनने दी है, ना ही जन्माष्टमी पर्व, ना ही किसी तरह का और कोई पर्व मना है। क्योंकि इस बार भी आप मेरे साथ देख पा रहे हैं, मैं खड़ा हूँ जामा कादरी मस्जिद दाऊदपुर पर, जहाँ पर कि ताला लगा हुआ है। लोग बागों ने अपने घर पर ही इस बार ईद मनाई है, घर पर ही उन्होंने अमन चैन की दुआ करी है। मेरे साथ में है मौलाना साहब, जो बताएंगे कि इस बार ईद का माहौल किस तरीके से मन रहा है। ये इस वक्त कोरोना महामारी जो फैली हुई है, उसकी वजह से ये ईद उज़ुहा जो है बड़ी सादगी के साथ 5 आदमियों ने मस्जिद में अदा की है, बाकी सब लोगों ने अपने अपने घर पर अदा की है और दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला इस ईद के बहाने, इस ईद के सदक़े, इस कोरोना जैसी वबा से हमारे मुल्क का बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए। और इससे पहले रमज़ान के बाद ईद उल फितर आई थी, उसमें भी ये 2 साल से तमाम त्यौहार ऐसे ही चल रहे हैं। बस रब से दुआ करते हैं हम कि हमारे मुल्क में अमन सुकून बना रहे, इस महामारी से हम बचें और अपने बच्चों को बचाएं और भीड़ से बचने की कोशिश करें। जो सरकार की गाइडलाइंस है उसकी सही से पैरवी करें हम, मास्क वगैरह लगा कर रखें और कहीं पर भीड़ नहीं करें। उसी तरह से हमने भी मस्जिद में 5 आदमियों ने मिलकर नमाज पढ़ी है डिस्टेंसिंग के हिसाब से, उसके बाद गेट बंद है। आम जन से क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के अवसर पर, ही जैसे त्यौहार पर्व के ऊपर? हाँ, मैं ऐसे खुशी के मौके पर सबसे मेन चीज़ हमारा कहने का मकसद ये है कि जो परेशान लोग हैं इस ईद का मतलब होता है खुशी, इस ईद की खुशी में इस खुशी को गरीबों पर बांटो, गरीबों की मदद की जाए। और गरीबों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, दवाई वगैरह की, किसी मास्क वगैरह की, तो उसकी पूर्ति की जाए। किसी के खाने में परेशानी आ रही है तो उसको राशन दिया जाए। मैं तमाम जनता से ये अपील करूँगा, अपने कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी समस्या से भी छुटकारा मिले, निजात मिले, इसके लिए भी दुआ की। हाँ हाँ, इसके लिए हमने दुआ की है मस्जिद में बैठ कर कि कोरोना जैसी महामारी से, इस वबा से निजात मिले हमारे मुल्क को, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को, पूरी दुनिया के लोगों के लिए इससे निजात मिले। हमने अमन चैन की दुआ, अमन चैन की दुआ मांगी है। जो हमारे मुल्क के गद्दार हैं, जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हम उन तमाम के लिए दुआ करते हैं। वो तमाम के मुंह काले हो जाएं, वो जलील व ख्वार हों, क्योंकि हमारा मुल्क एक भाईचारे का मुल्क है, हमारा मुल्क बड़े प्रेम वाला मुल्क है, और इसलिए हम इस मुल्क में अमन सुकून के साथ रहना चाहते हैं, अमन सुकून की दुआ करते हैं। तो आप देख रहे थे, मेरे साथ थे मौलाना महरून, जिन्होंने बताया कि इस बार भी जो ईद का पर्व है उन्होंने घर पर ही मनाया है और अमन चैन की दुआ की है। मैं कौशल शर्मा, अलवर न्यूज़।